कल हम लोग ने देखा था जावा स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है? समझ में आया था स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? आया था कि नहीं आया था? सबके समझ में आ गया था? ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है जावा स्टैटिक मेथड। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि स्टैटिक जो कीवर्ड होता है वो वेरिएबल पे भी लग सकता है, मेथड पे भी लग सकता है और क्लास पे भी लग सकता है, मतलब नेस्टेड क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग सेकंड टॉपिक जो देख रहे हैं स्टैटिक मेथड हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, इफ़ यू अप्लाई स्टैटिक कीवर्ड विद एनी मेथड इट इज़ नोन एज स्टैटिक मेथड। अगर हम लोग किसी भी मेथड को डिक्लेयर करते समय, सॉरी डिफाइन करते समय हम लोग उसको अगर स्टैटिक बना देते हैं, तो वो कौन सा मेथड होता है? स्टैटिक मेथड होता है। ठीक है, स्टैटिक मेथड बिलोंग्स टू द क्लास रेदर देन द ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। ठीक है, स्टैटिक मेथड अगर हम लोग किसी को भी बनाते हैं तो वो किस को रिफ़र करेगा? अपने क्लास को रिफ़र करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट को रिफ़र नहीं करेगा, मतलब वो उस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट रहेंगे सबके लिए कॉमन होगा। क्लियर? स्टैटिक मेथड कैन बी इन्वोक विदाउट द नीड फॉर क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। ठीक है, स्टैटिक मेथड कैन बी इन्वोक विदाउट द नीड फॉर क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, मतलब हम लोग बिना क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए भी हम लोग इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना इसका नहीं होता। क्लियर है? क्योंकि उसको मेमोरी एक बार असाइन हो जाएगी, जैसे ही क्लास लोड होगा मेमोरी असाइन हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे उससे इस मेथड का कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कॉल कैसे करेंगे? क्लास के थ्रू कॉल करेंगे। क्लियर? थर्ड पॉइंट है, स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस स्टैटिक डेटा मेंबर एंड कैन चेंज द वैल्यू ऑफ इट। ठीक है, स्टैटिक मेथड जो है सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर को ही एक्सेस कर सकता है और उसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकता है। मैं स्टैटिक मेथड जो है स्टैटिक वेरिएबल्स की वैल्यू को ही चेंज कर पाएगा और किसी की वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगर स्टैटिक वेरिएबल की अगर वैल्यू चेंज करना है तो हम लोग को स्टैटिक मेथड बनाना पड़ेगा। आया समझ में तीनों पॉइंट? आ गया? ओके, ठीक है, तो चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक क्लास है स्टूडेंट। ठीक है, इंट रोल नंबर हम लोग ले लिए, स्ट्रिंग नेम हम लोग ले लिए, स्टैटिक स्ट्रिंग कॉलेज हम लोग ले लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं साई कॉलेज। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ भी डाल दिए। ठीक है, ये हो गया। फिर हम लोग एक मेथड बनाए स्टैटिक वॉइड चेंज। ठीक है, चेंज हम लोग एक मेथड बनाया, उसके अंदर हम लोग क्या करें, कॉलेज इक्वल टू बी बी डी आई टी हम लोग डाल दिए। ठीक है, साई कॉलेज की जगह बी बी डी आई टी हम लोग डाल दिए। ठीक है, चेंज कर दिए, मतलब इसकी वैल्यू सबके लिए कॉमन होती। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट असाइन कर दिया और उसको स्टैटिक बना दिए। इसकी इसका मतलब है उसको मेमोरी एक बार मिलेगा और उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। लेकिन हम लोग क्या किए, एक स्टैटिक मेथड चेंज नाम का बना लिए हैं जिसके थ्रू हम लोग उस कॉलेज की वैल्यू को चेंज कर दे रहे हैं। क्लियर? आया समझ में? ठीक है, फिर एक कंस्ट्रक्टर हम लोग बनाए, कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट, दोनों को इनिशलाइज करने के लिए, रोल नंबर और नेम को इनिशलाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पे दो पैरामीटर ले लिए हैं, इंट आर और स्ट्रिंग एन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डाले रोल नंबर और यहाँ पे डाले नेम। ठीक है, फिर उसको हम लोग डिस्प्ले कर लिए हैं। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट बनाए और यहाँ पे तीन बार उसको डिस्प्ले को कॉल कर लिए। ठीक है, अब देखो इसको कॉलिंग कैसे किए हम लोग, स्टैटिक जो हम लोग मेथड बनाए हैं उसको कॉल कैसे किया? स्टूडेंट से कॉल किए, ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है उसका, ये ऑब्जेक्ट है। हम लोग इसको कैसे कॉल किए, इसको
क्लास के थ्रू कॉल किए, क्लास नेम के थ्रू कॉल किए, यहाँ लिखे स्टूडेंट डॉट चेंज, ठीक है। ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते तो कैसे लिखते हैं, एस वन डॉट डिस्प्ले, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे कैसे कॉल किए हम लोग, क्लास के थ्रू कॉल किए, ठीक है, आया समझ में। चलो बना के देखते हैं इसको। ठीक है, मैं क्लास ले रहा हूँ स्टूडेंट स्टैटिक मेथड, ठीक है। ठीक है, इसमें लेते हैं इंट रोल नंबर, ठीक है, स्ट्रिंग नेम, ठीक है, और यहाँ पे लेते हैं स्टैटिक कॉलेज नेम, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं स्टैटिक स्ट्रिंग कॉलेज नेम, और यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। क्या वैल्यू दूँ मैं, यहाँ डालते हैं हम लोग शंकरा, ठीक है, ये हम लोग डाल दिए, ठीक है। चलो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं साई कॉलेज, ठीक है, बाद में उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे, ठीक है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है, स्टूडेंट स्टैटिक मेथड डॉट जावा से, ठीक है। आवाज़ आ रही कि नहीं मेरी, ठीक है। मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको इनिशियलाइज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट स्टैटिक मेथड कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, ठीक है। कैसा कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा इंट आर कॉमा स्ट्रिंग नेम के लिए एन, ठीक है, और यहाँ पे मैं दे दिया रोल नंबर इक्वल टू आर और नेम, नेम इक्वल टू एन, ठीक है, दोनों को मैंने इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं बना रहा हूँ एक स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वॉइड चेंज कॉलेज, ठीक है। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कॉलेज नेम इक्वल टू, मैं यहाँ पे देता हूँ साई महाविद्यालय, विद्यालय, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वैल्यू दिए थे साई कॉलेज, और यहाँ पे हम लोग एक मेथड बनाए जो कि स्टैटिक मेथड है, और उसमें हम लोग इसको चेंज कर दिए, ठीक है, क्लियर। ये बन गया हमारा क्लास। अब मैं बना रहा हूँ यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। कैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे बताओ, ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, बताओ अतुल, मैं नहीं बताऊंगा आज, जब तक नहीं बताओगे तब तक क्लास आगे नहीं बढ़ेगी आज, बताओ कैसे बनाते हैं। हाँ S1 आगे इक्वल टू न्यू, क्या डाल देंगे, ठीक
ठीक है, ये क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है हमारे पास, है ना, तो ये भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही होगा क्योंकि हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ नहीं बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू डाल देंगे, रोल नंबर डाल देंगे 111, कॉमा डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, रश्मि। ठीक है, रश्मि सही जवाब दी है, तो रश्मि का नाम डाल दिए यहाँ पे। ठीक है, और हम लोग दो तीन मेथड और, सॉरी, ऑब्जेक्ट और बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे दे देते हैं S2, यहाँ पे दे देते हैं S3। ठीक है, सबकी वैल्यूज़ हम लोग चेंज कर देते हैं, 222, 333, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं हनी, और नेक्स्ट हम लोग दे देते हैं श्रेया। ठीक है, अतुल का नाम नहीं आएगा क्योंकि वो गलत जवाब दिया। ठीक है, तीन मैंने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, अब वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए एक मैं यहाँ पे पब्लिक void display मैं एक मेथड बना देता हूँ जिसके थ्रू हम लोग प्रिंट कर देंगे। क्या प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, रोल नंबर प्लस 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 के बीच में हम लोग स्पेस दे देंगे एक। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नेम, नेम। ठीक है, प्लस 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 के बीच में हम लोग देंगे डबल कोट्स, और यहाँ पे भी हम लोग दे देंगे कॉलेज नेम। ठीक है, ऐसा हम लोग दे दिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तीनों को हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास मेथड है, मैं लिख रहा हूँ S1 डॉट डिस्प्ले। ठीक है, S2 डॉट डिस्प्ले। ठीक है, तीनों को मैं कॉल कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, S3 डॉट डिस्प्ले। क्लियर? ठीक है, तो अब ये बताओ कि जब प्रिंट करेंगे तो कॉलेज नेम में साई कॉलेज प्रिंट होगा या साई महाविद्यालय प्रिंट होगा? यहाँ पे प्रिंट साई महाविद्यालय प्रिंट होगा। चलो देखते हैं क्या होता है। CMD, ठीक है, CD बैक स्लैश, उसके बाद ई, CD जावा, BCA3। ठीक है, क्या है हमारा, जावा सी, डॉट जावा, है ना, कुछ ना कुछ एरर आएगा। पब्लिक की स्पेलिंग गलत हो गई है। ठीक है, यहाँ पे सेमी कोलन नहीं लगा है। ओके, अब आएगा सही। ठीक है, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, अब रन करेंगे। रन करेंगे तो क्या आएगा, आप लोगों ने बोला कि साई महाविद्यालय आएगा। ठीक है, क्योंकि मेथड को तो कॉल ही नहीं किए ना हम लोग अभी तक। मेथड को कॉल किए क्या, स्टैटिक मेथड जो हम लोग बनाए थे कॉलेज चेंज वाले, इसको कॉल किए कहीं पे? हम लोग नहीं किए कॉल, सीधा ऑब्जेक्ट बनाया और डिस्प्ले को कॉल कर दिए। तो ये इसकी वैल्यू चेंज हुई नहीं ना, कॉलेज नेम चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। ठीक है, तो हम लोग इसको कॉल करेंगे। अब सबसे पहले मैं इसको कॉल कर देता हूँ। कैसे कॉल करेंगे, क्लास नेम हम लोग लिखेंगे, ठीक है, डॉट लगाएंगे, क्या लिखेंगे, चेंज कॉलेज, इसको हम लोग कॉल कर देंगे सबसे पहले। क्लियर? फिर हम लोग क्या करेंगे, वापस यहाँ पे कंपाइल करेंगे। अब क्या आना चाहिए, देखो आगे साई महाविद्यालय। ठीक है, तो स्टैटिक
मेथड से हम लोग क्या क्या किए, स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर दिए, ठीक है। और कैसे कॉल किए उसको, क्लास नेम के थ्रू। कैसे कॉल किए, क्लास नेम के थ्रू, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया, कुछ डाउट है? ठीक है, तो कोई भी मेथड में हम लोग लगा सकते हैं स्टैटिक, ठीक है, और हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, क्लास नेम के थ्रू कॉल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है हम लोग को, ऑब्जेक्ट से कॉल करोगे तो एरर आएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या एरर आएगा, ठीक है। मैं लिखता हूँ s3.collegeChange, ठीक है, यहाँ पे कंपाइल करते हैं, देखना एरर आएगा यहाँ पे एक, ठीक है। ओहो, इसको हटा देते हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट स्टैटिक मेथड java23 एरर कैन नॉट फाइंड सिंबॉल s3.change, ठीक है, सिंबॉल वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, क्लास स्टूडेंट स्टैटिक मेथड, ठीक है। चलो यहाँ पे तो ये बता रहा है, मैं इसको यहाँ यहीं पे करता हूँ, ठीक है। हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं तब तक, इस प्रकार से मैं इसको कंपाइल करता हूँ फिर से। अच्छा, वो तो वैल्यू चेंज हो गई है ना एक बार, ठीक है। इसकी वैल्यू एक बार चेंज हो चुकी है, इसीलिए बार बार वो साई महाविद्यालय ही दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि एक ही बार इसको मेमोरी असाइन होता है, ठीक है। जब तक क्लास लोड रहेगा तब तक इसकी वैल्यू वही रहेगी, इसीलिए वो सेम दिखा रहा है ना। वैसे कभी भी इसको कॉल नहीं करते हैं क्लास नेम से, हमेशा उसको, सॉरी, ऑब्जेक्ट से कभी भी इसको कॉल नहीं किया जाता है, हमेशा उसको क्लास के थ्रू ही कॉल किया जाता है, ठीक है। बस इतना याद रखना, आया समझ में? ओके, ठीक है। किसी को डाउट है? हाँ, ले लो ले लो, बिंदास ले लो स्क्रीनशॉट, ये लो। थोड़ा छोटा हो गया क्या? अभी ले लो।
ठीक है, कर लिए, सॉफ्टवेयर में तो काम ना रहते ही कुछ कुछ के करते रहो। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट है किसी को?